साउथ गांव हरियाणा का जो मंदिर है बाबा बड़ा वीर का, उसमें की है। और इसमें हम हर गांव में जो भी हमारे छायादार जो वृक्ष हैं और अन्य जो वृक्ष हैं 10-15 वृक्ष इसमें लिए हैं, जो अपने पूरे मैं कहूँ कि मेहंदड़ ज़िले के लिए जिन भी गाँव में हमने मैसेज दिया है कि जो भी वहाँ के युवा साथी या जो भी प्रतिनिधि हैं जो अपने गांव में जो भी वृक्षारोपण करवाना चाहें तो उनके लिए हम निःशुल्क जो है ना पेड़ उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, उस मुहिम की आज विधिवत शुरुआत की है। और ये मुहिम जो है ना पूरे मेहंदड़ ज़िले के लिए है, किसी भी गांव से या किसी शहर मोहल्ले से जो भी हमारे पास इसका निवेदन करेगा उनको हम वो पेड़ उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और लगातार ये मुहिम इस महीने में चलेगी क्योंकि बरसात का सीज़न है और अब अच्छा मौसम जो है ना पेड़ लगाने का हो गया है, तो पूरे इस मंथ में इस मुहिम को चलाएंगे। और हमारा एक उद्देश्य है कि पूरे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है ना पेड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और उस वजह से बरसात भी बहुत कम हो रही है। और आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर जैसे गर्मी के माहौल में हमारा तापमान मेहंदड़ ज़िले का जो हाईएस्ट ज़िले हैं उनमें जाने लग गया है। तो ये एक हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए ताकि जो वृक्ष पहले कट गए हैं उनके लेवल को ठीक किया जाए और आने वाले जो समय है उसमें हमारे मेहंदड़ जो है ज़िला इसको हरा भरा किया जा सके। जिस प्रकार से बात की जाए, आपने एक मुहिम और चलाई थी कुछ दिन पहले, बेटी बचाओ या फिर किसी का जन्मदिन हो उन पे भी आप पेड़ पौधे लगाते आ रहे हैं काफ़ी वर्ष से, तो जो पेड़ आपने लगाए हैं उनमें से उस मुहिम के द्वारा कितने तैयार हो चुके हैं लगभग की बात की जाए? नहीं, वो जो बेटी बचाओ वाली जो मुहिम है जो कन्या कुआ पूजन हम करवाते हैं, और उसके अलावा जैसे ये मुहिम तो हमारी पुरानी रही है कि भाई किसी की जैसे शादी की सालगिरह है, किसी का जन्मदिन है, परिवार में कोई भी मैं कहूँ कि सुख संदेश का जो भी प्रोग्राम हो, तो उस समय हम मोटिवेट करते हैं कि भी इस प्रकार के प्रोग्राम या तो जैसे वृक्षारोपण के माध्यम से किए जाए या जो अनाथ गौशालाएं हैं उनमें जो सावणी लगाकर या हरा चारा खिलाकर अगर हम करते हैं तो उससे एक समाज को अच्छा मैसेज जो है ना जाता है। और समय समय पर हमारे जो ग्रुप के साथी हैं या और जो समान विचारधारा के जो समाज सेवी हैं तो उनके साथ मिलकर इस प्रकार के प्रोग्राम हम पहले भी करते रहे, वो मुहिम तो जैसे हमारे इस ग्रुप की चलती रहेगी। अब की बार कितने वृक्षारोपण का आपने उद्देश्य रखा है? देखो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने कहा कि पूरे मेहंदड़ ज़िले से जिन भी गांव में युवा साथी या और जो प्रतिनिधि चाहेंगे कि भी जितने भी वृक्ष लगाने जिस प्रकार से डिमांड आएगी उसको मतलब उसको हम पूरा करेंगे। और जितने वृक्ष गाँव में, हमारा तो यही उद्देश्य है, युवा साथियों से हमने यही निवेदन किया कि इस मुहिम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि भी हम सिर्फ 200 वृक्ष वितरित करेंगे या 500 करेंगे। इस पूरे महीने में जितने हमारे पास गाँव से जो भी ये रिक्वेस्ट आएगी साथियों से तो उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। सिर्फ गांव में लगाओ या शहर में जहाँ कंडे हो रखे हैं, पानी भरा है रोड में, वहाँ भी कुछ करोगे? नहीं, मैंने बताया कि गांव हो चाहे शहर हो, मोहल्ला हो, जो भी है वहाँ सब जगह हाईवे है, उसमें पानी भरा है, कंडे हैं, क्या उनमें भी लगाए जाएंगे? वो तो देखो, एक सरकार को एक संदेश देने वाली बात होती है। कई बार मतलब ज्यादा जब रोडों की हालत खराब हो जाती है जिस प्रकार से मेहंदरगढ़ में हो रही है तो एक विरोध का एक स्वरूप होता है कि भाई वहाँ वृक्षारोपण कर दो ताकि सरकार को मैसेज जाए कि भाई इस रोड को जो टूटा हुआ है इसका सरकार कहीं ना कहीं इसका निर्माण कार्य करवाने का काम